हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सियल लाइन, तो अब की बार हमारा टॉपिक है इक्विटोरियल लाइन, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आप कोई भी टॉपिक है वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहेंगे, मैं सारा का सारा सिलेबस करवाऊंगा रिवाइज, ठीक है। हर लगातार डेली आपके पास एक या दो वीडियो आती रहेगी, राइट। तो आपको लास्ट तक भी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स। तो यहां पर सबसे पहले बेटा मैंने ली एक डाइपोल, दो चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल में मिड पॉइंट ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस है। लेकिन डाइपोल में हर डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है? सेंट्रल पॉइंट से। तो सेंट्रल पॉइंट से मैंने ये ली एक डिस्टेंस, क्योंकि इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन को। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, एक आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां से माइनस क्यू से डिस्टेंस ये, इससे डिस्टेंस ये एंगल बना थीटा, यहां पर भी एंगल क्या बना थीटा। पाइथागोरस थ्योरम, ये ए है ये आर है, तो क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो बता देता हूं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है हमारी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। वो किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो रास्ते पे कभी डिपेंड नहीं करते। अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो इवन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू, आपको पता है माइनस से फिर भी प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग। चार्ज कैसा? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव की तरफ ही आती है, तो ये इवन नेगेटिव की तरफ, तो ये क्या आ गई अलोंग पी ए इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल सी चीज, अगर नेगेटिव है तो उसकी तरफ आएगी, पॉजिटिव है तो उससे दूर जाएगी। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये प्लस क्यू है E2 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम रहेगी वही, तो अलोंग देखो चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, मैग्नीट्यूड में हम कर रहे हैं बात, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव ने अपना काम तो कर दिया, डायरेक्शन को इंडिकेट, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी? दूर। तो ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड गई E2, राइट अलोंग BP इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे बात आती है, वही तो वेक्टर की खास बात है, अगर दो स्ट्रेट लाइन पे हो दो वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं? प्लस और माइनस, लेकिन इनके बीच तो क्या बना है? एक एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, वेक्टर लॉफ एडिशन, या उससे सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करूं, मेरे पास ये E1 है, कोई वेक्टर ऐसे है, तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे ब्रेक किया जाता है। अगर जिसके साथ एंगल चला जाए, एंगल वाला होता है कोस वाला कंपोनेंट और दूसरा होता है साइन वाला। अब मेरे पास यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी E1 है, E1 को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, एक ये एक ये, बिल्कुल ऐसे कोई वेक्टर क्वांटिटी इसी को फॉलो करेंगे दोनों, और दोनों के बीच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। फिर बात, अगर दो लाइन हमारे पास ऐसे जाती है पैरेलल लाइन के बीच में, ये लाइन है एक,
ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये एंगल क्या है, थीटा। तो ऊपर वाला एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। तो अब सिंपल सी बात, ये कंपोनेंट कौन सा बन गया, E1 cos थीटा, और नीचे वाला E1 sin थीटा, ये वाला, राइट। अब सिमिलरली E2 कोई कंपोनेंट ऐसे है, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसी को फॉलो करेंगे। तो E2 इधर है, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक इस साइड और एक इस साइड। अब इसमें भी यही कंफ्यूजन, एंगल का पता होना चाहिए। फिर से दो पैरेलल लाइन, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्रोसपोंडिंग एंगल, ये भी क्या है, थीटा, बिल्कुल। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये थीटा तो ऊपर वाला क्या होगा, थीटा। ये भी तो वही है, अगर यहां ले तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल, वही बात है। तो जिसके साथ एंगल बना वो कौन सा बना, E2 cos थीटा। ऊपर वाला कौन सा बना, E2 sin थीटा। अब ये और ये साइड क्या है, सेम, ये भी सेम। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनी थी, ये बनी थी आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब ये थीटा थीटा दोनों में क्या है, सेम। अब सबसे बड़ी बात है वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके कंपोनेंट भी क्या होते हैं, वेक्टर। एच मैग्नीट्यूड ऑफ E1 किसके इक्वल है, E2। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को लिखने के दो मेथड होते हैं, तो मॉडुलस के अंदर लिख लो, ये भी तो मैग्नीट्यूड है, दो तरीके हैं, या तो मॉडुलस के अंदर या सिंपल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और एंगल दोनों में सेम है, तो E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसल आउट ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसल आउट, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, एक लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अब नेट हमारे पास क्या बच गया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बार बार कैमरा भी चेक करना पड़ता है ना, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या बनेगी, E1 cos थीटा, क्योंकि साइन का तो हिसाब हो गया, कैंसिल हो गई, तो दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, E1 sin थीटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी E1 cos थीटा भी इधर, E2 cos थीटा भी उधर ही जा रहा है, दोनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हां, और एक और बात है, एज E1 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, E2। E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो मैं E1 को E2 या E2 को E1 लिख सकता हूं, तो ये क्या बन गया, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, क्योंकि E1 को भी E2 को भी मैंने क्या लिख दिया, E1। तो E बन गया 2E1 cos थीटा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स पढ़ो, उसके कंसेप्ट को क्लियर करो, बड़ा आसान सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, राइट। और धीरे धीरे मैं न्यूमेरिकल की वीडियो भी डालूंगा, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, और खासकर जो बोर्ड एग्जाम में आए हो, सारे के सारे न्यूमेरिकल मोस्टली मैं कवर करने की सोचूंगा, कोशिश करता हूं। तो E = 2, E1 की वैल्यू 1/4πε0qr² + a² into cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसी भी ट्रायंगल में ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ए हाइपोटेन्यूज क्या है, √r² + a². अब E = q into 2a, राइट। तो ये एक्चुअली चेक करना पड़ता बार बार, कभी कैमरा तो नहीं बंद हो, तो q into 2a क्या होगा, q into 2a p / 4πε0, ये r² + a², ये r² + a² का रूट, तो r² + a² की पावर कितनी बन गई, 3/2, ये 1 है, ये 1/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बन गई p / 4πε0 r² + a² की पावर 3/2, राइट। अब यहां पर वही फिर से कंडीशन, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तब a को क्या किया जाता है, नेगलेक्ट,
E is equal to 4 pi epsilon naught R square power 3 by 2 ब्रैकेट के बाहर भी पावर अंदर भी पावर कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब सॉरी क्लियर। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। तो अब यहां से एक छोटी सी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल क्या रेशियो आया? आपने एक्सियल लाइन पे निकाला तो यहां पर क्या आया 2p और इसमें क्या आया p। चेक कर लो इसे पहले वाले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन में 2p आया था, इसमें p, तो क्या रेशियो बन गया 2:1 राइट। अब एक जनरल छोटा सा क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है राइट, और वो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ई का क्या इफेक्ट है? फर्स्ट ए बी सी डी चार ऑप्शन, आर स्क्वेयर 1/r, 1/r² 1/r³ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के कारण, अब क्या फॉर्मूला था, इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वेयर। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, तो डाइपोल के केस में ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखना, डाइपोल के केस में नीचे क्या था आर क्यूब, तब ऑप्शन आ जाएगा ये राइट। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है राइट। तो थैंक यू फॉर दिस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो हमारे साथ कनेक्ट रहिए।